हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो बात करेंगे आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर किसकी, जो MAG4 है, MAG4 यूनिट नंबर 1। एंड द क्वेश्चन इज़, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज, कि ह्यूमन लैंग्वेज की कौन सी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इसी क्वेश्चन को इस तरह से पूछा जा सकता है, राइट क्वालिटीज़ ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन लैंग्वेज करेक्टरिस्टिक्स। तो इस तरीके से आ सकता है क्वेश्चन। सो क्वेश्चन कैसे भी आए, जो आपका आंसर होगा वो एक ही होगा, सेम ही होगा, तो इस वीडियो में हम उसी के साथ डील करेंगे। कर लेते हैं कि लैंग्वेज का क्या मतलब होता है, कम्युनिकेट करना, बातचीत करना। अगर डेफिनेशन बोलें तो लैंग्वेज इज़ दैट सिस्टम बाय विच साउंड्स एंड मीनिंग आर रिलेटेड, कि साउंड और मीनिंग दोनों आपस में इंटर रिलेटेड होती है। सपोज़ अभी मैं बोल रही हूँ तो ये जो आप सुन पा रहे हैं ये क्या है, एक साउंड है, और मीनिंग का क्या मतलब है, जैसे मैंने अगर लैंग्वेज की डेफिनेशन दी तो उसका एक मीनिंग है, वो उसका मीनिंग हो गया। तो चलिए अब टाइम वेस्ट ना करते हुए करैक्टर्स की बात करते हैं, करैक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं लैंग्वेज की। तो जो पहला है इसमें वो है यूज़ ऑफ साउंड एंड सिग्नल्स। सो साउंड और सिग्नल्स का यूज़ कैसे होता है, द मोस्ट ऑब्वियस करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज इज द यूज़ ऑफ साउंड्स एंड सिग्नल्स। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, साइंस की बात होती है जब, तो आपने देखा होगा ट्रैफिक लाइट, फॉर एग्जांपल आप ट्रैफिक लाइट ले सकते हैं। यहाँ पे तीन कलर की लाइट्स होती हैं, रेड, येलो, ग्रीन, और तीनों का जो मीनिंग होता है वो अलग अलग होता है। अगर वो ना भी बोले तो भी आपको समझ में आता है कि रेड लाइट का क्या मीनिंग है। इसमें साइन लैंग्वेजेस की भी बात करते हैं। साइन लैंग्वेज क्या होती है, जो इंसान बोल नहीं सकता और सुन नहीं सकता उनके लिए अलग लैंग्वेजेस होती है। तो साइन लैंग्वेज में क्या होता है, अपने इशारों से, गेस्चर्स की हेल्प से जो चीज़ें प्रेजेंट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, साइन लैंग्वेज बोलते हैं। इसमें सिम्बल्स एज यूज, जैसे कि आप सिम्बल्स की बात करें तो सिम्बल्स, जैसे कि आपने ब्रेल लिपि के बारे में सुना होगा, ब्रेल में क्या होता है, डॉट्स की हेल्प से पढ़ना सीखते हैं बच्चे, जो देख नहीं सकते वो लोग ब्रेल से पढ़ते हैं। और एक कॉमन जनरल नॉलेज के लिए कि जो ब्रेल लिपि है वो लुईस ब्रेल ने डेवलप की थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आर्बिट्री। आर्बिट्री में क्या होता है, दिस इज़ द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज विच वी सर्वल फॉर्म्स, देर इज़ नो नेसेसरी कनेक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द वर्ड दैट रिप्रेजेंटेड इट। इसका मतलब क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि जो ऑब्जेक्ट है जिसको हम बोल रहे हैं वो सारी जगह एक ही जैसा हो। सपोज़ अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ तो आपने रोज़, आपको पता होगा गुलाब के फूल को रोज़ बोलते हैं, तो अलग अलग लैंग्वेज में इसको अलग अलग जानते हैं। जैसे डिफरेंट लैंग्वेज इंडीड कॉल द सेम ऑब्जेक्ट बाय डिफरेंट नेम। आर्बिट्री का मतलब ही यही होता है कि अलग अलग लैंग्वेज में एक ही ऑब्जेक्ट को अलग अलग तरीके का नाम देना। जैसे अगर हम रोज़ का ही एग्ज़ाम्पल ले लें तो इंग्लिश में इसे रोज़ बोलते हैं, हिंदी में इसे गुलाब बोलते हैं, जापानीज़ में इसे बारा बोलते हैं, और अरबिक लैंग्वेज में इसे वार्डा बोलते हैं। अब आपने देखा कि रोज़ को ही अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग नामों से जानते हैं। उसके बाद लैंग्वेज के बारे में नोम चोमास्की बोलते हैं कि जो लैंग्वेज है वो LAD है। LAD की फुल फॉर्म होती है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये एक डिवाइस की तरह होती है, इसको हम एक्वायर करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। उन्होंने बोला कि अगर कोई बच्चा आइसोलेशन में रहा है तो डेफिनेटली उसका जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो बिल्कुल भी नहीं हुआ है, वो बोल नहीं सकता। एक लाइन देते हैं वो, अ चाइल्ड ब्रॉट अप इन आइसोलेशन माइट नॉट बी एबल टू एक्वायर एनी लैंग्वेज एंड स्पीक। तो आपको पता होगा कि जब लैंग्वेज ही नहीं आती उसे तो वो बोल कैसे सकता है। तो इस तरह से ये पॉइंट कंप्लीट होता है। चोमास्की को आप अपने आंसर में ज़रूर अनकोट करके लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारी, बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है, डिस्प्लेसमेंट सिंपली रेफर्स टू द एबिलिटी टू कम्युनिकेट अबाउट व्हाट इज़ नॉट प्रेजेंट। जो चीज़ें आपके सामने प्रेजेंट नहीं होती आप लैंग्वेज के थ्रू उससे, उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। सपोज़ अभी आपका एग्ज़ाम है और आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाने से पहले ही बहुत सारी बातें डिस्कस करते हैं अपनी फैमिली में या फ्रेंड्स के साथ कि आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाके क्या करेंगे, पहले क्वेश्चंस को करेंगे या पहले क्वेश्चंस को रीड करेंगे, ये जो क्वेश्चंस आते हैं सिर्फ उनको करेंगे, तो इस तरह की बातें करना। या फिर कॉलेज डिज़ायर, जैसे कि आपका एडमिशन नहीं हुआ बट आपने डिज़ायर बना लिया और आप बात कर रहे हैं कि जब हम कॉलेज में जाएंगे तो यहाँ घूमेंगे, वहाँ घूमेंगे, इतनी क्लासेस लेंगे, ये वाली एक्टिविटी ज्वाइन करेंगे, फोटोग्राफी कॉर्नर ज्वाइन करेंगे, तो ये सारी जो टॉक हैं आपने देखा कि आप गए नहीं हैं बट फिर भी आप उसके बारे में बात कर सकते हैं, तो ये आ जाता है डिस्प्लेसमेंट में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है इसका वो है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी होती है कि किसी भी चीज़ को न्यूली तरीके से प्रेजेंट करना,
एनिमल्स को नहीं आता इसमें, बेसिकली जो ह्यूमन बीइंग्स है वही कर सकते हैं। क्रिएटिविटी किसी भी फील्ड में हो सकती है, म्यूज़िक में हो सकती है, डांस में हो सकती है, राइटिंग में हो सकती है, ड्रामा में हो सकती है, लेकिन अभी जब हम प्रेजेंटली लिटरेचर की बात कर रहे हैं, लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो हम लिटरेचर को लेके ही चलेंगे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब आपका एग्ज़ाम होता है तो सेम क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन आ गया तो सभी स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एक ही क्वेश्चन को एक ही तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, पर वहाँ पे क्रिएटिव जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने आंसर में क्या करेंगे, फ्लो चार्ट का यूज़ करेंगे, इंट्रोडक्शन अलग से सेपरेट करेंगे, डेफिनेशंस देंगे, कंक्लूजन बहुत अच्छे देंगे। तो वो क्या होता है, वो अपने आंसर को क्रिएटिव तरीके से प्रेजेंट करते हैं, और क्या होता है फिर जब इस प्रेजेंटेशन की वजह से दे गुड गुड मार्क्स। तो क्रिएटिविटी आपने देखा होगा, लैंग्वेज से इसे कैसे रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको कुछ चाहिए और आप बोलते हैं एक सिंपली कि मुझे दे दो, ठीक है, एक व्यू होता है कि प्लीज़ मुझे दे दो, एक वे होता है बोलने का कुड यू प्लीज़ गिव मी। सो यहाँ पे देखा आपने कि दो तीन तरीके हैं, लेकिन अगर आप किसी से इस तरह से कुछ मांगते हैं, सपोज़ कुड यू प्लीज़ गिव मी योर पेन, कुड यू प्लीज़ गिव मी योर बुक, सो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो लिसनर है, जो सुनने वाला है, आपके वर्ड्स पावर का, आपके क्रिएटिव लैंग्वेज का उस पे इफ़ेक्ट पड़ता है, और डेफिनेटली वो आपको दे देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है कि जो लैंग्वेज होता है उसमें पैटर्न होता है। पैटर्न किस तरह का पैटर्न, यहाँ पे पैटर्न का बात है, जब आप वर्ड्स लिखते हैं, कोई भी वर्ड लिखते हैं, सपोज़ आप लिख रहे हैं CAT कैट, तो इसमें पैटर्न है कि पहले C आएगा, फिर A आएगा, फिर T आएगा। ऐसा तो नहीं है कि आप T लिख देंगे, फिर A लिख देंगे, फिर P लिख देंगे, ये P लिख देंगे, A लिख देंगे, T लिख देंगे, तो कोई भी वर्ड जो फॉर्मेशन है वो नहीं बनेगी। वर्ड फॉर्मेशन के लिए पैटर्न को फॉलो करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको हम पैटर्निंग नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसका वो है स्ट्रक्चर डिपेंडेंस। स्ट्रक्चर डिपेंडेंट क्या होता है, समटाइम्स वन सिंगल वर्ड कैन बी द स्ट्रक्चर सब्स्टिट्यूट ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट मेकिंग एनी डिफरेंस इन द मीनिंग ऑफ द सेंटेंसेस। कई बार क्या होता है कि हम एक ही वर्ड को रिप्लेस करके उसकी जगह पे दूसरा वर्ड यूज़ कर लेते हैं, और कई कई बार होता है हम एक ही सेंटेंस को आगे पीछे करके, उसके वर्ड्स को आगे पीछे करके न्यू सेंटेंस बना देते हैं, और उनका मीनिंग जो होता है वो सेम होता है। इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर डिपेंडेंस। एग्जांपल के लिए, द बॉय हु प्रपोज्ड मी यस्टरडे नाइट गिव मी अ बुके फ्लावर्स, इट वाज रियली ब्यूटीफुल बुके ऑफ फ्लावर्स। तो यहाँ पे आपने देखा, अब इसी को रिपीट करूँगी मैं सेंटेंस को आगे पीछे करके, अ ब्यूटीफुल बुके ऑफ फ्लावर्स was given to me by the boy who proposed me yesterday night। तो आपने देखा यहाँ पे कि हमने sentences को सिर्फ words को आगे पीछे किया है, लेकिन जो meaning है sentence का वो एक ही meaning है दोनों ही sentence में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेशलाइजेशन की। स्पेशलाइजेशन जब भी आ जाता है, इट मीन्स यहाँ पे कुछ ना कुछ स्पेशल होने वाला है। सो लैंग्वेज में क्या स्पेशल होता है, एज़ यू नो, जब हम बातें करते हैं तो कौन से बॉडी पार्ट हैं जो आपकी हेल्प करते हैं बात करने में, तो बेसिकली आपने देखा होगा, अगर आप अभी बोल के देखेंगे कुछ भी, तो आप देखेंगे आपके लिप्स, आपके टंग और आपके थॉट टुगेदर काम करते हैं, तभी कोई लैंग्वेज प्रोड्यूस होती है, है ना। द ह्यूमन लिप्स, टंग, थॉट, ये वो एग्जांपल्स हैं जो हमारा स्पीकिंग ऑर्गन्स बोलते हैं हम इनको। तो इस तरह से स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है, दिस करेक्टर सजेस्ट दैट ऑल ऑर्गन्स यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग स्पीच आर स्पेशली अडेप्टेड टू द टास्क। यहाँ पे उन्हीं ऑर्गन्स की बात की जाती है जो स्पीच में हेल्पफुल होते हैं, जैसे कि आपके लिप्स, टंग एंड थॉट। आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जो स्पेशल नीड चाइल्ड होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वो ठीक से बोल नहीं पाते, तो प्रॉब्लम कहाँ होती है, उनके लिप्स में होती है, थॉट में होती है, या फिर उनकी टंग में होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका टोटल फीडबैक। द स्पीकर कैन हियर देमसेल्फ स्पीक एंड कैन मॉनिटर देयर लैंग्वेज। जो बोलने वाला है लैंग्वेज में, एक इसकी और करेक्टरिस्टिक क्या है, टोटल फीडबैक। फीडबैक किसका मिलेगा, इसमें क्या होता है, जो आप बोल रहे हैं आप उसको सुन सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि जो आपने बोला वो ठीक है या नहीं है, कहीं पर मिस्टेक है, आप अपनी पिच को देख सकते हैं। इसके एग्जांपल के लिए आप अपने कॉलेज टाइम को लर्न कीजिए, जब आप प्रेजेंटेशन देते थे कॉलेज में, तो आपके टीचर जो हैं वो आपको बताते हैं कि इसमें क्या है, आपके टीचर बताते हैं कि आपने जो प्रेजेंट किया है उसकी कैसी पिच है, कहाँ पे मिस्टेक की है, किन वर्ड्स को और ऐड करना है, और अगर नहीं होता है तो आप
खुद भी उसकी प्रैक्टिस के लिए घर पे आप अपने ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर अगर आप हेजिटेशन फील करते हैं कि आप कुछ भी बोल नहीं पाते तो भी आप इस तरह से रिकॉर्ड करके सुन सकते हैं कि जब आप बोलते हैं तो वहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, आपकी पिच में प्रॉब्लम है, मैटर में प्रॉब्लम है, कहाँ पर प्रॉब्लम है। नेक्स्ट बात आती है कि टर्न टेकिंग। अब टर्न टेकिंग, जैसे कि नाम आप देखते हैं, कोई गेम खेलते हैं तो बोलते हैं कि इट्स योर टर्न, तो टर्न मतलब दूसरे की टर्न। जो लैंग्वेज होती है, इन अ कन्वर्सेशन ऑफ टू बोथ ऑफ देम विल स्पीक एट द सेम टाइम विल नॉट स्पीक एट द सेम टाइम। दो लोग कभी भी एक टाइम पर बात नहीं करते। जो टॉकिंग है, जो लैंग्वेज है, जो स्पीकिंग है, वो टर्न बाय टर्न होती है। सपोज़ आप तीन चार फ्रेंड्स हैं या आप दो फ्रेंड्स हैं, जब आप बात करते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि आप दोनों लोग एक ही साथ बोलना शुरू कर देते हैं और बंद कर देते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। सी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द थिंग्स कि अगर कोई बोल रहा है तो आप क्या होते हैं, तो आप लिसनर होते हैं। जब वो बोलना बंद करते हैं तो आप बोलना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से ये टर्न टेकिंग प्रोसेस है लैंग्वेज, ये इसका एक इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट है इसका स्पॉन्टेनियस यूसेज। ह्यूमन टू नॉट स्पीक बिकॉज दे आर कंपेल्ड बाय समवन टू स्पीक, दे स्पीक व्हेन दे वांट टू स्पीक आउट ऑफ देयर ओन विल। तो आपने ये बताने की ज़रूरत नहीं है, एज यू नो, कि जब आप बात करते हैं, बोलते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोलते हैं और आप अकेले में बोलते हैं। आप तब बोलते हैं जब आपको लगता है कि आप बोलना चाहते हैं, ठीक है, या फिर कोई दूसरा पर्सन है वो आपके साथ है, आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा है। सो फ्रेंड्स, ये कंप्लीट होता है हमारा इसका करैक्टरिस्टिक। दिस इज़ द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक व्हिच एवर वी हैव कंप्लीटेड। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी तो आप कमेंट सेशन में डाल सकते हैं, आई विल ट्राई टू शॉर्ट आउट योर क्वेरी। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अस। बी विद अस, टेक केयर फ्रेंड्स, गुड बाय।